हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। यहां पर बड़े दिनों बाद आपको टैबलेट स्मार्टफोन की वीडियो मिल रही है, क्योंकि कई सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि आखिरकार टैबलेट स्मार्टफोन का क्या हुआ है ना, क्या अपडेट्स है टैबलेट स्मार्टफोन को लेकर। आज की इम्पॉर्टेंट अपडेट्स है ना, वीडियो को पूरा देखें और कई इंपॉर्टेंट कटिंग है पेपर की, वो भी बताने वाले हैं। जो पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक करें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, ताकि आपको पीडीएफ वगैरह हम दे सकें। ठीक है, चलिए भाई। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, छात्रों को नहीं मिल सके टैबलेट बा स्मार्टफोन। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसमें बताया जा रहा है छात्रों को नहीं मिल सके टैबलेट बा स्मार्टफोन और यहाँ पर जा नहीं पाए गए हैं। यहाँ पर खबर निकल के आ रही बरेली से, यहाँ पर बताया जा रहा राजकीय आयुर्वेदित यह कॉलेज का नाम दे रखा है, 2016 बैच के मेडिकल छात्र छात्रा को अभी भी टैबलेट स्मार्टफोन नहीं मिल पाए हैं और उन्होंने यहां पर शिकायत की। देखिए बता रहा है 200 रुपए रिश्वत मांगने और यहां पर नहीं मिलने पर उनका नाम डिजिटल पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था और मामले की जांच नकलों पहुंची है, ऐसे में जांच शुरू हो गई है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितनी बड़ी मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम्स ही आ रही हैं। ठीक है, ये बैच यहाँ पर दे रखा है, इस बैच के बच्चे थे और उन्होंने शिकायत की, तो इन्होंने बताया कि जो 200 रुपये लिए मांग रहे थे, उन्होंने कहा कि उसके बाद ही आपका नाम पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो ऐसी बच्चों कंडीशन भी आ जाती है ना जिनके सामने, इसकी जो जाँच है वो करने को पूरी भेजी गई है ना, इस रिकॉर्डिंग ठीक है दोषी पाया गया है। मामले की जांच हुई तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, दोषी पाया गया। जांच में लिखा है कि लिपिक ने जानबूझकर बार बार कहने के बावजूद भी 2016 बैच के छात्रों का नाम नहीं भेजा, इस वजह से उनको टैबलेट नहीं मिल पाया। तो इसमें भाई मान सकते हैं कहीं ना कहीं कॉलेज वाले भी कुछ घपला करते हैं, तो आप लोग थोड़ा मतलब होशियार रहेंगे, समझदार रहेंगे, कॉलेज को सचेत करते रहेंगे इसके रिगार्डिंग। ठीक है, उसका पहले इस तरीके की अपडेट निकल के आ रही है, ये पेपर की कटिंग आप देख सकते हो, 200 रुपये मांगे जा रहे थे। ठीक है, अगली अपडेट हम बात करेंगे, ज्ञापन देखकर जो छात्र पूछ रहे हैं कहाँ गए हमारे टैबलेट स्मार्टफोन, तो ये भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बरेली के थर्ड ईयर के छात्र हैं, ये पूछ रहे हैं कि हमारे टैबलेट कहाँ गए, भाई बताओ कहाँ गए टैबलेट, अब थर्ड ईयर में आ गए तो टैबलेट कब मिलेंगे भाई, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। बरेली कॉलेज से अपडेट लेकर के आ रही है और छात्र छात्राएं नाराज हो गए हैं, बता रहे हैं कि हमें टैबलेट अभी तक नहीं मिल पाए हैं, 6 महीने बीत गए, इस योजना को हो गया लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मिले टैबलेट। अब बात करें पॉलिटेक्निक वालों की भी, तो उनकी भी इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है ना। यहाँ पर जो इनके मेन अधिकारी, उन्होंने कहा जनवरी को मैसेज आया था, आप लोग हमें बताओ कि आपके पास कब मैसेज आया था कि हाँ आपका टैबलेट स्मार्टफोन में चयन हो गया है, कि आपको इस दिन मिलेगा, आपके पास कब मैसेज आया था कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो, उनका चयन के लिए मैसेज आया था। अब भैया 6 महीने गुजर गए, अब अभी तक टैबलेट नहीं मिल पाया है, आप यहाँ पर खुद देख सकते हो। ठीक है, और कॉलेजों में कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन अभी तक यहाँ पर वंचित है। प्रचारी ने बताया कि जैसे ही टैबलेट स्मार्टफोन मिलेंगे उनके बाद में उनको लाभान्वित किया जाएगा। उसके बाद देखिए ये नई अपडेट निकल के आ रही है, हर साल अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को मिलेंगे टैबलेट व स्मार्टफोन। ये खबर नकलों से प्रकाशित की गई है, स्नातक परस्नातक डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करने वालों को मिलेगा इसका फायदा है ना। प्रदेश में डिग्री धारक और डिप्लोमा के अंतिम वर्ष के छात्र छात्रा को हर साल प्राथमिकता दी जाएगी टैबलेट स्मार्टफोन के लिए, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी रह गए हैं फाइनल ईयर वाले। अब बताओ भैया उनका एग्जाम तो खत्म होने हो गया पॉलिटेक्निक वालों का, लेकिन उनको अभी टैबलेट नहीं मिले हैं, तो इस तरीके की बच्चों प्रॉब्लम्स है। लेकिन आप लोग थोड़ा सब्र रखेंगे, अपने कॉलेज से जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है, आईटी बाय इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग जल्द ही इसकी नीति कैबिनेट को पेश करेगा, अधिकारियों का मानना है किसी ड्रॉप आउट में कमी आ गई है ना, ड्रॉप आउट में कमी आ गई। योगी सरकार ने, आपको पता होगा जो 25 तारीख को उन्होंने बांटा था टैबलेट स्मार्टफोन, तो उसके रिगार्डिंग 400 करोड़ के अधिक खर्च इन्होंने बोला था, हम लोग 40 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। अब बताओ ने 400 है ना, 4000 करोड़ का मतलब खर्च बोला है, उन्होंने बोला है कि इसके बाद टैबलेट स्मार्टफोन द्वितीय वर्ष के छात्रों को मिलेगा, फिर फर्स्ट ईयर के छात्रों को मिलेगा। अब आप बताओ फर्स्ट ईयर वाले जो थे वो सेकेंड ईयर में आ गए, अब सेकेंड ईयर वाले, बात करें पॉलिटेक्निक स्टूडेंट की, तो वो भी थर्ड ईयर में आ गए, तो भाई उनको अब तो मिलना चाहिए। अब जिनको नहीं मिला है वो अपने कॉलेज के ट्रस्ट में बने रहेंगे, अभी क्या क्या अपडेट है सारी अपडेट बताने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर बताया जा रहा है आगामी 5 वर्ष में है ना, अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को 2026 और 27 तक इस सुविधा का लाभ मिलेगा, यानी कि आप अभी एडमिशन ले रहे हो तो 2026-27 तक आपको टैबलेट मिल जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। अपडेट्स कुछ इसी प्रकार से आई हुई है,
उसके बाद देखिए विद्यार्थियों को मुफ्त स्मार्टफोन दिलाने की मांग की जा रही है। गोरखपुर से अपडेट निकल के आ रही है, दीनदयाल उपाध्याय जो कॉलेज है और यूनिवर्सिटी है वहां पर देखिए ज्ञापन सौंप रहे हैं लगातार, हर जगह छात्र हैं वो अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि एग्जाम चल रहे थे आप लोगों के, तो एग्जाम टाइम में इस तरीके की न्यूज देना आपके लिए अच्छा नहीं रहता क्योंकि इस समय पढ़ाई करते होगे या फिर ये न्यूज देखोगे, इसीलिए मैं उस समय आपको वीडियो नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हो है ना, जबकि संबंधित छात्र छात्राओं को टैबलेट नहीं दिया जा चुका है। तो ऐसे में बच्चों आप लोग सतर्क रहेंगे, अपने कॉलेज की टच में बने रहेंगे। वीडियो काफी लॉन्ग हो सकता है क्योंकि काफी दिनों बाद आ रहा है, ठीक है। तो इस योजना में देखिए पढ़ाई की सुविधा मिलेगी, ज्ञापन सौंपने वाले जो छात्र का नाम दे रखा है उसका देखिए 11.33 लाख विद्यार्थियों को स्मार्टफोन बांटे गए हैं, ये भी अपडेट निकल कर रही पेपर में देख सकते हो। इसमें बताया कि हमने जो योगी सरकार 2.0 में 11.33 मतलब बांटने का लक्ष्य रखा था, ये अपडेट्स है। उसके बाद देखिए आज चित्रकूट में भी टैबलेट बढ़ चुके हैं, मैं वीडियो नहीं बना पाया था, कुछ इस प्रकार की अपडेट आई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो है अपडेट, ये बोला था उन्होंने कि 2 महीने में टैबलेट मिल जाएंगे। भैया अब तक 2 महीने की छोड़ो, यहाँ पर 1 साल बीतने वाली है लेकिन अभी भी काफी सारे स्टूडेंट को नहीं मिल पाया है। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है ना, 5000 से अधिक छात्रों को यहाँ बोला है इन लोगों ने, लेकिन अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है अपडेट्स, ये भी आप देख सकते हो है ना, बिजनौर की बात की जा रही है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, यहाँ पर जो बच्चों के लिए जो टैबलेट स्मार्टफोन का डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं बीटेक और गाइडलाइंस जो भी जारी की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के तहत, तो वो चीजें यहाँ पर है। उसके बाद देखिए ITS है ना, वहां पर 210 छात्र छात्राओं को यहाँ पर वितरण किया गया है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। अब बात यह कहाँ की बात की जा रही है, मुरादनगर की है ये, ठीक है, दिल्ली मेरठ मार्ग पर जो आपका है डेंटल कॉलेज, यहाँ पर बात की जा रही है 210 छात्राओं को वितरण किया गया। उसके बाद देखिए बताने आपको पता होगा चुनाव चलने लगे तो उसके रिगार्डिंग ये सारी अपडेट्स निकल के आ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, BDS पन के यहाँ पर विद्यार्थी बांटने की बात कही जा रही है, तो ये जो है आपकी मुरादनगर से अपडेट निकल के आई है। उसके बाद ये देखिए आप लोग, ये आपका BDS के छात्र छात्रा हैं, ये गाजियाबाद की इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आपको पता है धारा न्यूज संवाददाता ने बताया है कि जो आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तहत 2022 में जो छात्र छात्रा हैं उनको इस तरीके की स्टूडेंट्स निकल के आती रहती हैं, यहाँ पर ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसके तहत जो भी आपके जरिया है उसमें बताया जा रहा है बोर्ड के, इस सारी अपडेट्स हैं है ना, और जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको अपडेट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने आपको बताया है, और जो भी आपको अपडेट्स दिया जाएगा वो हमारे टेलीग्राम पर सारे PDFs आपको दिए जाएंगे, ठीक है। सारे प्रकार के PDFs हैं और मॉडल पेपर और ये इनकी सारी कटिंग्स टेलीग्राम के माध्यम से आपको दी जाएंगी। इसके बाद हो सकता है अब जब भी मतलब आएगा मतलब इस तरीके का न्यूज तभी वीडियो मिलेगा, अदरवाइज आपको पता ही होगा इतने वीडियो नहीं आ रहा था टर्मिनल स्मार्टफोन के रिगार्डिंग क्योंकि अपडेट ही नहीं आ रहा था। इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लेकर आता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर सकते हो और अपने कॉलेज से इसके बारे में जरूर कॉन्टेक्ट करके पता कर लें कि क्या इसके बारे में आप अपडेट आती तो हम आपको अपडेट करेंगे। तो फिर आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वंदे मातरम, टेक केयर।